हेलो बच्चो, हेलो बच्चो, आपका नानू इस वक्त एक शिव मंदिर के पास आया है। आज तारीख 22 मार्च है। अभी मैं जो ये शूटिंग कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये सूरज यहाँ देखिए, ये ऐसा ये शिव मंदिर है। अंदर जाके मैं फिर शुरू करता हूँ शूटिंग। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये जो कन्नड़ भाषा में लिखा है, ऐसा लिखा है गुब्बल गुड्ड। गुड्ड म्हणजे गुड्ड का अर्थ है हिल, हिल पे है ना मंदिर। गुब्बल गुड्ड श्री मल्लिकार्जुन देवालय घटप्रभा 1991 ऐसा कुछ है वो कन्नड़ भाषा में है सब। ये देखते अभी मैं अंदर जाता हूँ दर्शन के लिए। ये देखिए, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के तो मंदिर में पहुँच गया। अभी मैं घंटा बजा दूँगा। ये देखिए आवाज आया ना जोर से, ओम नमः शिवाय, ऐसा कन्नड़ भाषा में लिखा है। बाकी ऐसा है शिव जी की तस्वीर है, और ये जो है ये ऐसा है मंदिर। जो पुजारी जी है वो कुछ फल अर्पण किया है ना भक्तों ने, दिखा रहे हैं। ये ऐसा है, ये भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है वो ऐसी है। मैंने भी दर्शन किया, शिव जी से प्रार्थना की। ये देखिए बच्चों, भगवान शिव जी के सामने जो नंदी रहते हैं, नंदी महाराज, वो इधर दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखिए बच्चों, मैं मंदिर से तो बाहर सीढ़ियाँ उतर के अभी जाऊँगा, तो खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। ऐसी जगह पे ये मंदिर स्थित है। गुड का अर्थ होते हैं हिल पे स्थित है। इसलिए ये देखिए खेती दिखाई दे रहे हैं, नारियल के वृक्ष। अच्छा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। ये कुछ बंगले दिखाई दे रहे, यहाँ से घटप्रभा स्टेशन भी दिखाई देता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कहाँ से दिखाई देता है वो देखना पड़ेगा। ओके, ये देखिए, ये ऐसा मैं सीधा अभी जाता हूँ। कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, वो जो नदी वगैरह दिखा है, खूबसूरत नज़ारा है। इसलिए ये देखने के लिए तो मैं आया हूँ। ये देखिए मल्लापा आराम कर रहा है। बैठो बैठो, मैं ये दिखाता हूँ लोगों को। ये मलप्रभा नदी है क्या? मलप्रभा, ये देखिए आप लोगों को मलप्रभा नदी दिखाता हूँ। दूर से दिखाई दे रही है, ये देखिए नज़दीक लाया मलप्रभा नदी को आपके लिए। ठीक है, और थोड़ा सा दूर ये मलप्रभा नदी है। मलप्रभा के किनारे घटप्रभा नज़दीक है। ये देखा है कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये नदी का नाम ये देखिए मंदिर जो है ना, यह ऐसा है, ये ऐसा है। ये देखिए ये मंदिर का कलश जो है ऐसा है, फड़क रहा है, झंडा भी फड़क रहा है। ओके, ये देखिए बच्चों, ये तो जंगल, छोटा सा जंगल दिखाई दे रहा है। अच्छा है, ऐसे घने वृक्ष अगर रखे जाए तो बरसात वगैरह बहुत अच्छी तरह से होती है। 40% ऐसा मैंने सुना है कि 40% तो ग्रीनरी रखनी चाहिए। ग्रीनरी उसमें सब कुछ है, ग्रीन। ये देखिए सूरज महाराज इधर है ना पश्चिम दिशा को, इसलिए ये देखिए दूर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए मंदिर के पीछे जो है वो ऐसा है, शिव जी का चित्र है। ये कलश बोलते हैं हम, शिखर, ये जो है ना शिखर, और शिखर पे कलश रहता है, उसके ऊपर झंडा रहता है। ओके, मंदिर के बाहर से मैं परिक्रमा करते करते यहाँ तक तो आ गया। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। दूर तक हरियाली। ये देखिए मंदिर जो है या ऐसा है, यहाँ तक तो मैं आ गया। ये देखिए आवाज़ आ रहा है घंटों का, भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
ये देखिए, ये कौन सा है ये तो पता नहीं, खेती है। और वो नारियल के पेड़ कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन फ्लोर। वो जो खेती है उसका मतलब क्रॉप हो गया है, उधर तो कोई फसल नहीं दिखाई दे रही। ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया होगा काम पूरा। ये देखिए कुछ बंगले वगैरह दिखाई दे रहे दूर तक। इतना खूबसूरत नज़ारा है, मुझे तो ये ऐसे बहुत अच्छा लगता है। स्टेशन घटप्रभा स्टेशन दिखाई देते है कि नहीं मालूम नहीं, अभी कहीं तो जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जाना पड़ेगा स्टेशन। तो कल मैं बच्चों कंपनी, कल मैं बहुत ट्राई किया, 7:30 बजे तक खड़ा था उस ब्रिज पे, वो ट्रेन आई ही नहीं। अभी क्या करने का, तो चला गया। वैसे ट्रेन का समय हो चुका था लेकिन ट्रेन लेट हो गई, इसलिए मैं देखिए बच्चों एक ट्रेन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए बच्चों आज मैं इसलिए आया कि वो ट्रेन आपको दिखा सकूँ। देखिए इधर रुकी नहीं, कोई तो एक्सप्रेस गाड़ी लगती है, कौन सा है मालूम नहीं, इधर तो रुकी नहीं, वो कौन सा मालूम नहीं। अभी ये मैंने मैं आपको दिखाना चाहता था तो कोई तो एक्सप्रेस है। ये देखिए आवाज़ कितना तो बहुत बड़ी लंबी गाड़ी है, ये घटप्रभा स्टेशन है। हाँ आपको दिखा दिया, अभी उधर जाता हूँ मैं, मैं जा सका, मैं कोई व्हीकल्स नहीं जा रहे इधर इसलिए मैं जा सका। वो देखिए इस बार कोई भी व्हीकल इधर उधर से जा नहीं रहा। ये देखिए उसी वक्त है लाइव, ये कौन सा ट्रेन है मालूम नहीं, अभी बहुत बड़ी लंबी गाड़ी है तो घटप्रभा जो वो रुकी नहीं, यहाँ मालूम कौन सी गाड़ी है। आज इतना तो दिखा सका, कल तो मैं रात को 7:30 बजे तक खड़ा था, अभी क्या करूँ गाड़ी आया ही नहीं। अभी देखिए अभी ये बेलगाँव जाकर ही रुकेगी, कौन सा गाड़ी है मालूम नहीं, अभी कौन सा तो एक्सप्रेस गाड़ी है जो घटप्रभा पे रुकी ही नहीं। ओके दोस्त लोग, इतना तो दिखा सका, मुझे बहुत ही समाधान है। ओके ये शॉर्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए स्पेशली। ओके ये देखिए अभी आपका नाम है, आपको फिर एक बार हाँ तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मेरा काम है। देखिए बच्चों आज तो मैं थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन मंदिर जाके आया। मैं तो सोचता हूँ मल्लिकार्जुन स्वामी जी की यही कृपा ही है कि आज मुझे ये शूटिंग करने का मौका मिला। मैं तो कल तो बहुत ट्राई किया था, हुआ नहीं। चलो तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, अरे बच्चों आप ये तो मेरे माई बाप हो, मेरा चैनल SSLC कीजिए, सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।